नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी यानी NII में वैकेंसी आई है डिफरेंट टाइप की। NII जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है। इसमें वैकेंसी आई हुई है डिफरेंट टाइप की, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, इस भर्ती में वैकेंसी डिफरेंट टाइप की आई हुई है और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 25 जनवरी, लास्ट डेट है 17 फरवरी। आप 17 फरवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। इसमें पहली वैकेंसी आई है टेक्निकल ऑफिसर की, जिसकी वैकेंसी आई है 5, टेक्नीशियन फर्स्ट की वैकेंसी आई है 3, टेक्नीशियन सेकंड की वैकेंसी आई है 2, ट्रेड्समैन प्लम्बर की वैकेंसी आई है 1, मैनेजमेंट असिस्टेंट की वैकेंसी आई है 7, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है 1 और स्किल वर्क असिस्टेंट यानी MTS की वैकेंसी आई है 5। डिफरेंट टाइप की वैकेंसी आई हुई है इसमें और ये कैटेगरी वाइज अलग अलग दी गई है। आप जिस भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ देख लेना आपकी कैटेगरी की वैकेंसी आई है या नहीं आई है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो देखो, पोस्ट कोड नंबर 1/2020, टेक्निकल ऑफिसर के लिए वैकेंसी 5 है। इसके लिए आपने MSc कर रखी हो और साथ ही आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर आपने BSc के बाद 5 साल काम किया है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी BSc के साथ आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट नंबर 2 टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए लैब में 1 वैकेंसी है, जिसके लिए आपने 10th पास किया हो साइंस के साथ और 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए MLT में और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर आपने BSc कर रखा है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है R&D लेबोरेटरी में, आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन फर्स्ट इंजीनियरिंग की वैकेंसी है 2, इसमें 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। यहाँ पर आपने IT कर रखा है 10th के बाद और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है किसी सरकारी विभाग में, आप अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड की, तो इसमें 2 वैकेंसी है इंजीनियरिंग की और इसके लिए आपने 10th के बाद IT किया हो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में कम से कम 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ किसी भी रेपुटेड संस्थान में। ट्रेड्समैन प्लम्बर की बात करें तो इसके लिए आपने IT कर रखा हो प्लम्बिंग ट्रेड में, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए या फिर आपने 8वीं के बाद कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट असिस्टेंट के लिए आप ग्रेजुएट होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको किसी भी सरकारी विभाग में UDC के ग्रेड में। जूनियर असिस्टेंट सेकंड के लिए आपने 12th पास कर रखा हो या फिर आपने इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन प्राप्त कर रखी हो और आपको टाइपिंग आती हो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से या इंग्लिश में या फिर 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से हिंदी में। स्किल वर्कर असिस्टेंट के लिए आपने 10th पास कर रखा हो या इसके करंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। बात करें सैलरी की तो सैलरी जो है वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है और इस भर्ती के लिए एज लिमिट 28 से लेकर 30 साल। आपकी एज लिमिट है 28 से लेकर 30 साल, यानी आपका जन्म 17 फरवरी 2002 से लेकर 17 फरवरी 1990 के बीच में हुआ हो। OBC वालों के लिए 87 तक और SST वालों को जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1985 है वो फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है और आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको सबके लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा। फीस की बात करें तो फीस 500 रुपए है और आप जितने पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे सबके लिए आपको अलग अलग फीस जमा करानी होगी। SST PH एक्सेसमेंट और महिला कैंडिडेट को कोई भी फी पे नहीं करनी है। बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की तो देखो, सिलेक्शन होगा इसमें Tier 1 और Tier 2 एग्जाम के थ्रू। जहां प्रोफेशनल टेस्ट नहीं मांगा गया है वहां सिर्फ रिटन टेस्ट के बेस पर हो जाएगा, लेकिन जो भी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है या फिर जूनियर असिस्टेंट की है, मैनेजमेंट असिस्टेंट की है, वहाँ ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट, इनके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा जो पोस्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। जो आपका Tier 1 एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। अगर हम बात करें डेट ऑफ एग्जामिनेशन और एडमिट कार्ड की तो ये अभी नहीं आए हैं, जल्दी ही आ जाएंगे। इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.nii.res.in को देख सकते हैं। फॉर्म भरने का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। आपको इस भर्ती के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप 9582864201, 9582634204, साथ ही helpdesk@niionline.co.in पर संपर्क कर सकते हैं। और इस भर्ती के फॉर्म भरने की वेबसाइट है www.nii.res.in, साथ ही हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाके फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के फॉर्म की स्टार्टिंग डेट 25 जनवरी है, लास्ट डेट है 17 फरवरी। आप 17 फरवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।